दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सारी शॉर्टकट की। माइक्रोसॉफ्ट में सबसे पहले फंक्शन की को समझ लेते हैं। फंक्शन की में F1 की हेल्प के लिए होता है, उसमें सारी बातें लिखी होती हैं कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। शिफ्ट एंड F1 की, यह कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प, मतलब ये कांस्टेंट के लिए होता है। और F2 मूव टेक्स्ट और इमेज, ये इमेज और टेक्स्ट को हटा देता है। शिफ्ट प्लस F2 की ये कॉपी और कॉपी टेक्स्ट के लिए होता है। F3 की इंसर्ट एंड ऑटो टेक्स्ट एंट्री। शिफ्ट प्लस F3 की चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। F4 परफॉर्म लास्ट एक्शन अगेन। शिफ्ट प्लस F4 की जो है ये प्लेटफॉर्म, ये परफॉर्म है फाइंड और गो टू द एक्शन अगेन। F5 ये रिफ्रेश करने के लिए होता है, ये डिस्प्ले द गो टू डायलॉग बॉक्स, यू कैन आल्सो गेट फाइंड रिप्लेस फ्रॉम हियर। शिफ्ट प्लस F5 मूव ए प्रीवियस रिवीजन। F6 गो टू द टेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेम और पेन। फिर इस तरह से सारी शॉर्ट की देखिए आप, सारी की धीरे धीरे मैं दिखा रहा हूँ, जिससे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या पढ़ते जाएं। फिर कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी और सी। कंट्रोल प्लस ए से आल सिलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड टेक्स्ट होता है, और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, और कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस डी से डिस्प्ले फॉन्ट डायलॉग डिस्प्ले होता है फॉन्ट, कंट्रोल प्लस ई से सेंट्रल अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट जैसे कि आपका टेक्स्ट बीच में है या किनारे है, तो बीच में कंट्रोल प्लस ई से हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जी से इसी तरह से आप देखिए सभी। और विंडोज़ के शॉर्टकट की, विंडो प्लस आर रन मेनू, विंडो प्लस ई एक्सप्लोरर, अल्ट टैब, इससे जितने विंडो खुले हैं सबको देख सकते हो आप। अल्ट प्लस स्पेस एक्स मिनिमाइज मैक्सिमाइज विंडो कर सकते हो, और इसी तरह से और सारी आप चेक कर सकते हो सारी चीज़ें, सारे शॉर्टकट। और ये सभी हैं शॉर्टकट, आप देख लीजिए।